देखें जी, जिस तरह इन्होंने आज देखा है एक इनिंग्स और 5 रन से हमारी टीम हार चुकी है, कम से कम फाइट करना चाहिए, मैच हारना जीतना गेम का हिस्सा है, लेकिन प्लानिंग ही नहीं नज़र आई। अगर बाबर आजम प्ले किया थोड़ा सा 104 पे उनका, जिस तरह वो आउट हो रहे हैं, तो एक प्लेयर को कम से कम आगे इस तरह पेश करना चाहिए कि इनिंग्स में एंट्री अगर की है तो कम से कम मैच परफॉर्म करना चाहिए। और ये तमाम टीम मैनेजमेंट और कोच सारी तकीक होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा बाहर ही जाकर हम ख़राब हुए हैं। दुबई या करीब के पिचेस में हम तो कामयाब हुए हैं, लेकिन एशियन पिचेस में हम कामयाब रहे हैं। बाहर जाकर जब भी गए हैं तो रसवाई का सामना करना पड़ा है। तो बेहतरी यही है कि टीम मैनेजमेंट और कोच स्टाफ की भी तकीक जांच पड़ताल करनी चाहिए और मेरिट पे आगे सिलेक्शन होनी चाहिए। हार गया पाकिस्तान, बहुत अफसोस हुआ, दुख हुआ, लेकिन नसीम शाह हमने हम सबसे पहले तो प्रेशर होते हैं उस पर, बहुत सारे प्रेशर होते हैं, वो सबसे पहले चले तो बहुत बड़ी टीम है, आप उसके खिलाफ ट्राई करें तो उससे ज़ाहिर बात उससे चला जाएगा, और उसको चाहिए कि श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, उससे ट्राई करके नीचे आप लास्ट में ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, उससे आप ट्राई ले लें। तो हार गया तो सब कुछ है कि अपना अपना परफॉर्मेंस सही करना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है ये दिल लगा के मैच बिल्कुल नहीं करते, ठीक है, इसका दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान को जीतने के लिए, ठीक है। और बाकी हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, दिल लगा के मैच करना चाहिए इसको। नसीम शाह तो नया यंग लड़का है, ये इसको जितना चांस देगा उतना बेस्ट होगा। हारिस हिल की बात रही, हारिस हिल अच्छा बैट है, बैड लक होना तो कोई बात नहीं है, तो इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। जो है ना ये कंफ्यूज हुए हैं थोड़े से, पता नहीं क्यों, तो इंशाल्लाह ताला हमारी टीम जो है ना अच्छा खेलेगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह।